एक नई वीडियो में और मेरा नाम है वैष्णवी और आप देख रहे हो क्रेजी बॉय हाथा जंक्शन। तो आज की वीडियो में आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं, टंग ट्विस्ट चैलेंज। अच्छा, हमको सिखा रही है तो उसके बारे में हमारी दीदी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे दो कंटेस्टेंट होने वाले हैं, जो जिसमें कि आपके एक हैं वैष्णवी जी और दूसरे हैं आपके क्रेजी वर राघव जी। हाय। तो आप दोनों को मैं रूल्स बता देती हूँ। जो टंग ट्विस्टर चैलेंज है, मैं उसमें आपसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स या फिर डिफिकल्ट लाइन बुलवाऊंगी। अगर आपने वो सही सही बोल दिया तो आप मतलब सेफ जोन में हैं, और अगर आपने गलती करी तो आपको मिलेगी पनिशमेंट, जो कि देगा आपको सही बोलने वाला। अगर राघव ने सही बोली तो वो आपको पनिशमेंट देगा, और आपने सही बोली तो वो आप उसको पनिशमेंट दोगी। समझ गए? और मतलब आपको सही बोलना है, जो भी मैं बोलूँ उसको रिपीट करना है। तो रेडी हो आप? नहीं। पहले तो आप अपनी पोजीशन पे आए। नहीं। सबसे पहले दोनों अपनी पोजीशन पे आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहले आपको बोलना है, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, चिंकू पकड़े पका पपीता। ये क्या है? नाउ यू। पके पेड़ पर पका पपीता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये पिंकू पकड़े पपीता। तो अच्छा। तो ये आपने, आप दोनों में से किसी ने भी सही नहीं बोला है, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि होगी वीडियो के लास्ट में। और आपने जितने भी बार भी गलत बोलोगे, उतनी ही आपको पनिशमेंट डबल मिलेगी। म्यूजिक। तो चलो नेक्स्ट बोलते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चखाया। जी आप बिल्कुल तरह गलत फेल हो चुकी हैं, बहुत बुरी तरीके से फेल हुई हैं। गजब बेइज्जती है। आप भी फेल हो चुके हैं। एक और बार फिर से सुनिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चखाया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तो आप हार मान चुके हैं? तो आप? आप भी हार मान चुकी हैं? तो चलिए एक और बुलवाती हूँ मैं आपसे, ठीक है? तो नेक्स्ट आपको बोलना है, पपीते के पेड़ पर पपीता पीला पीला। पपीते के पेड़ पर पपीता पीला पीला। हाँ, अब आपने पपीते के पेड़ पर पपीता पीला पीला। रुको जरा, सबर करो। चलिए आप दोनों इसमें पास हो चुके हैं। तो अभी तक आपने दो गलत बोले, तो आपको डबल पनिशमेंट मिलने वाली है, जो कि आप वीडियो के एंड में आपको मिलेगी। तो प्लीज अपनी पनिशमेंट का भी ध्यान रखें। तो नेक्स्ट आपको बोलना है, तो आपको एक सबसे इजी चैलेंज दिया जाता है, जो कि है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये आपको 5 बार जल्दी जल्दी बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अब आप? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 2 बार और रह गया, 5 बार कहा था मैंने। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या लगता है गाइस, इन्होंने 5 बार बोला? नहीं। नहीं ना, तो ये दोनों, इनको फिर से पनिशमेंट मिलेगी। तो नेक्स्ट आपको बोलना है, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। दोबारा? पीतल के पतीले में। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। पपीता पीला पीला। दोबारा? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। रिपीट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला, पपीते के
है गाइस, आपके क्रेजी बॉय कितना ट्राई कर रहे हैं इसको बोलने का, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा। गजब बेइज्जती है यार, सो सैड। और इधर आपकी दीदी वैष्णवी दीदी, उनसे भी वो भी बहुत बुरी तरह हार चुकी है, उनसे भी नहीं बोला जा रहा। तो गाइस कमेंट करिए जरूर बताना इन दोनों में से किसने सबसे ज्यादा सही बोला। तो अब बारी आती है इनको पनिशमेंट देने की। तो यहाँ पे राघव को एक पनिशमेंट मिलती है। तैयार हो राघव? पता है आपको क्या करना है? नहीं। अभी बाहर अंधेरा है बहुत, तो आपको क्या करना है, बाहर जाना है लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ की बहुत अंधेरा है, और आपके पीछे केवल मैं जाऊंगी और कोई नहीं जाएगा। तो देखते हैं आप जा पाते हैं या नहीं। तो चले चलो, रिस्क ले रहे बहुत बड़ा के रात में यह बोलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर भूत बैठ रहे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं, तो चलो गाइस चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं, राघव अपनी पनिशमेंट के लिए जा रहा है आगे आगे। चलिए राघव जरा गेट को खोलें और आप जाएंगे, जाइए। गाइस मैं आपको दिखा दूं कि बहुत कोहरा हो चुका है, सर्दी हो रही है इसलिए, और इधर देखिए बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन आगे कुछ लोग जा रहे हैं, तो पहले हम उन्हें जाने देते हैं, उसके बाद राघव को भेजेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गाइस राघव जा रहा है, अब हम इसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। आप देख सकते हो पीछे बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा, वो लोग भी दिखने वाले हैं सिर्फ उनकी फोन की लाइट। ऑलराइट गाइस, तो ये जा रहा है, हम इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। गाइस हम यहाँ पर एक प्रैंक करने वाले हैं, मेरे साथ में वैष्णवी आई है, तो ये पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाएगी और हम इस तरह राघव को डराएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वैष्णवी जा चुकी है और अभी हमको राघव बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट रुकिए आप, मुझे पता है, लेकिन अभी मैं आपको ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा। देखो 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 राघव यहाँ पर जेसीबी खड़ी है जिसमें कि वैष्णवी छिप चुकी है। अभी देखो राघव को डराया जाएगा। वैष्णवी कम ऑन राघव, तुम्हें आगे तक जाना था, जाओ जरा। अरे मैया, तू तो देख लियो। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्रैंक। फ्रेंड्स अब राघव अपनी पनिशमेंट पूरी करके आगे जा रहा है, इसकी सेकंड पनिशमेंट अभी हम आपको आगे बताते हैं। तब तक के लिए आप ये बताइए कमेंट में कि आपको वैष्णवी द्वारा किया गया प्रैंक कैसा लगा। ये देखिए प्रैंक करने के बाद उनके चेहरे पे जो खुशी है वो आप सब सब देख सकते हैं। ऐसा लगा मेरा मजाक राघव तुम्हें दूसरी पनिशमेंट मिलेगी, पता है ना? नहीं। चलो तो एक काम करो, तुम यहीं पे खड़े होके और 10 उठक बैठक लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. गजब बेइज्जती है। म्यूजिक।